डीटीएस एन टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है और मेरा नमस्कार। ये मैंने डीटीएस एन टीवी इन्फो का यूट्यूब चैनल है, आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें अलग अलग मैंने वीडियो बना के रखे हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार इसमें देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। आज हमारे पास में एक टीवी का किट है जो हमारे पास में टीवी रिपेयर में आई है। उसके अंदर मेरे पास में रिपेयर में आने से पहले किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास में गई थी ये टीवी। उसने एक गलती करके कहना मतलब मेरे पास में भेज दी। इसके लिए मैं भी काफ़ी परेशान हुआ। ये मैंने सप्लाई चालू कर दी है। सप्लाई आ रही है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली बंद हो रही है, ये प्रॉब्लम है। थोड़ी टाइम बाद में वापस चालू करूँगा तो वापस चालू भी हो जाती है। ये सिर्फ आगे के कनेक्शन मैंने काट दिए हैं। ये 110 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से जम्पर मैंने खोल दिया है। आगे का जो लोड है वो सब बढ़ा दिया है। सिर्फ इसके अंदर दो ही सप्लाई है, 12 वोल्ट और 110 की, दूसरी कोई सप्लाई नहीं है। कैपेसिटर मैंने चेंज कर लिया है। तो आखिर में इसमें फोल्ड किया है तो इस बार तो इसको जानेंगे। सबसे पहले तो आपको डाउट होगा कि शायद डायोड लगे हुए हैं। ये 110 का सप्लाई का डायोड है, वो ख़राब हो सकता है या कोई फिल्टर ख़राब हो सकता है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, आगे कोई टर्बल होने से शायद वोल्टेज पावर सप्लाई अप डाउन कर रही है। इसमें कोई स्टैंड बाई वाला मामला नहीं है, क्योंकि स्टैंड बाई वाला तो ऑफ ऑन करने के लिए जो अलग से है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो इसमें आखिर में मामला क्या है? अलग से पावर सप्लाई लगी है, इसमें दूसरा कोई प्रॉब्लम जरूर है। ऑन कर देता हूँ, ये भी सप्लाई आ रही है, ये देखो वापस चालू होने के बाद में वापस बंद हो रही है। इसका मतलब पावर सप्लाई काम कर रही है। तो मैंने इसको चेंज करके भी देखा, ऐसा नहीं है कि मान लो पावर सप्लाई ख़राब हो तो मैं दूसरी लगा के भी देख चुका हूँ। मेरे पास में ये नई पावर सप्लाई पड़ी थी, ये भी चेक कर दी है, ये ख़राब नहीं है। तो आखिर में इसमें क्या फॉल्ट है? एक बार एसी वोल्ट के सप्लाई देख लेते हैं इसकी, कहीं फिल्टर या ट्रांसफार्मर में तो कोई फॉल्ट नहीं है। ये देखो यहाँ से भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे, ये नहीं पूरी पावर सप्लाई के वोल्टेज ड्रॉपिंग में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर ख़राब है? तो मैं कैपेसिटर भी चेंज करके देख चुका हूँ, उसके अंदर भी ऐसा कोई लगाने से कुछ हुआ नहीं था। शायद ट्रांसफ़र के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं इसका तो ट्रांसफ़र मिला नहीं था। ये आपके पास में हो तो आप वही ट्राई करने वाले हो, लेकिन ये समस्या आपके द्वारा ही उत्पन्न की हुई है। ये नहीं, काम करते वक्त आप ध्यान नहीं रखा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आखिर में जाने आखिर में ये कहाँ अपने से गलती हुई है।
आखिर में पता लगाना पड़ेगा क्योंकि आखिर में फोल्ड कहाँ है, तो मैं यहाँ से सप्लाई, ये 110 के सप्लाई की जगह में ये लैंप, 100 वाट का लैंप है, ये फिल्टर के ऊपर लगा देता हूँ ताकि पता पड़े कि फ़िल्टर ख़राब है कि आखिर में है क्या है। ऐसा तो नहीं हो कि फ़िल्टर के आगे से कोई प्रॉब्लम है, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देखो लैंप वापस डाउन हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ? अभी आप इसी सप्लाई को देखते हैं, इसी सप्लाई ड्रॉप हो रही है क्या, आखिर में क्या है? इसी सप्लाई एक बार जांच कर लेते हैं। यहाँ हमने कनेक्शन मार रखे हैं, ये सप्लाई आ रही है और यहाँ पे ये DTP आनी बंद हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सप्लाई आएगी तो ही आगे बढ़ेगी, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आ रही है, ये DT लगी हुई है, ये जो लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर है वो लगा हुआ है, यहाँ से ये रेक्टिफायर के अंदर जा रहा है, तो रेक्टिफायर तक सप्लाई नहीं आ रही है, जबकि ये देखो ऐसी सप्लाई यहाँ पे मौजूद है। आप और हम ऐसी गलतियाँ बहुत करते हैं, फिर बाद में परेशानी आप और हमारे को होती है। आखिर में जब फॉल्ट मिलता है तो आप भी अकेले में हंसते जाओगे कि आज इसकी वजह से मैं परेशान हुआ, क्यों ये फॉल्ट मेरे साथ में हो गया था, मैं परेशान हो गया था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसी समस्या से नहीं जूझना पड़े आपको। आखिर में पता यही है, देखिए आप जब भी टीवी खोलते हो, टीवी खोलने के बाद में आप क्या करते हो कि मान लो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई का लीड होती है तो आप भूल के PTC के अंदर लगा देते हो, ये PTC है, PTC से होकर आगे पावर सप्लाई जा रही है, उसके दौरान वो सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी, जबकि सप्लाई यहाँ लगनी चाहिए। ये गलतियाँ अक्सर हमारे से होती हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर में है क्या, प्रॉब्लम क्या है, दूसरे को पूछते हो बार बार, ये तो ट्रांसफर का आपको ऐसा लगेगा ट्रांसफर खराब है, कैपेसिटर खराब है, रेक्टिफायर में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे घूमते रहोगे, तो आपसे ऐसे ही तो कोई गलती नहीं हुई कि जिसके कारण से ये आपको ये परेशानी देखनी पड़ती है। आपको न तो ये स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है, ये आपके द्वारा ही गलती का परिणाम है। वापिस जांच कर लेते हैं, देखते हैं कंडीशन मिलती है। ये वापस मैं 100 वाट का लैंप इसके ऊपर लगा रहा हूँ ताकि 110 की सप्लाई यही है, उसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ। लोड देख के पता करते हैं कि भाई आखिर में है इसके अंदर क्या है। ये जो बंद हो रही थी अभी बंद नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने PTC के अंदर वहाँ से सप्लाई दे रखी थी। आप जब काम करोगे तब आपको फिल्टर सब वर्किंग काम करते नज़र आएंगे, लेकिन जब लोड के अंदर दोगे तो उस टाइम PTC डाउन हो जाएगी, इसके कारण से आपकी वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी। आप कभी तो फिल्टर के ऊपर जाओगे, कभी ट्रांसफर के ऊपर जाओगे, कि कभी पावर सप्लाई ख़राब होगी, कि आप दूसरी जगह ऐसे गोल गोल घूमते रहो। जब आप ट्रांजिस्टर बाहर निकाल के देखोगे तो आपको सप्लाई एकदम ओके मिलेगी, आप लगा के वापस चालू करोगे तो आपको वही परेशानी होगी। तो ये गलतियाँ आपके द्वारा ही जनित की होती हैं, अपने भूलवश कहना मतलब गलत जगह अपने सप्लाई दे रखी हैं, तो उसके कारण से भी ऐसा होता है। आप भी
ये ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई समस्या आए तो इस बारे में पूरा आपको ध्यान रहना चाहिए कि भी अपने कहाँ गलती की है। ये देखो सप्लाई कंप्लीट है, अभी तक कोई डाउन नहीं हुई है, इसका मतलब आप गलत जगह कनेक्शन लगा दिए थे। ये सप्लाई आ रही है, ये 110 की सप्लाई है। ऐसी समस्याओं से आपका भी कभी सामना हो सकता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है कि टेक्नीशियन से भी बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि टीवी को खोलेंगे तो पता ही है सबको, कभी कनेक्शन तो पहले से किए हुए हैं तो कनेक्शन देखता भी नहीं है, मैं भी नहीं देखता हूँ, कि सप्लाई तो दे रखी है पहले से लगी हुई तो उसको क्या देखूँ। लेकिन दूसरे कोई, मान लो दूसरा कोई टेक्नीशियन के पास वो खुली टीवी और आपके पास में आ गई है तो उसने क्या किया वो पता नहीं, लेकिन आपके मन में ये नहीं होता है कि भाई वो कनेक्शन इनपुट जो पावर सप्लाई की इनपुट कनेक्शन है वो पीटीसी के अंदर डाल दिया होगा, इसके लिए उससे रिपेयर नहीं हुई, क्योंकि बात समझ में नहीं आई उसको। इस टीवी के अंदर मैं खुद बहुत हैरान हुआ था, अंत में जब पता पड़ा तब मैं खुद ही एक कि भाई इतने टाइम काम करते हुए टाइम हो गया उसके बाद में भी गलती हुई है, ये ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आपको देखना चाहिए कि डॉगेजिंग कोयल की जो पीटीसी के अंदर लग रही है वहाँ कनेक्शन करने से आपके सप्लाई पूरी कंप्लीट बताएगी, आप मीटर से चेक करोगे पूरा सेट आपको कंप्लीट दिखाई देगा, लेकिन अंदर से जो ही थोड़ी सी चालू होगी उसके बाद में बंद हो जाएगी, आपको ये भी पता नहीं लगेगा आखिर में फॉल्ट कहाँ। एक बार और आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार, और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे।